हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, जिसका नाम है ZEEBOT NX100। और ये स्कूटर के बारे में कंपनी के तरफ से क्या क्या अपडेट दिया गया है वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और ईवी सपोर्टर को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में लेटेस्ट अपडेट लेकर आते हैं ईवी सपोर्टर में। चलिए बात करते हैं स्कूटर के बारे में। इस स्कूटर को हमने फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक स्कूटर बोला, क्योंकि स्कूटर के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो अभी मार्केट में कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर नहीं देखने को मिलता है, और ये फीचर्स काफी नेक्स्ट लेवल फीचर्स है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इस स्कूटर में TFT डिस्प्ले दिया गया है जो फुल्ली टच स्क्रीन है। अगर स्कूटर का फॉन्ट लुक आप देखोगे जो काफी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन किया गया है। इस स्कूटर में 4G कनेक्टिविटी, वाईफाई, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे स्मार्ट फीचर्स देखने को मिलेगा। इस स्कूटर में रैम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। इस स्कूटर का जो एक नेक्स्ट लेवल फीचर्स है वो है इसका चार्जिंग पॉइंट। इस स्कूटर का चार्जिंग प्लग इस स्कूटर के अंदर ही रहने वाला है, अलग से चार्जर नहीं यूज करना पड़ेगा, जो काफी अच्छा है। दोस्तों, अगर बात करें इस स्कूटर के लुक्स के मामले में स्कूटर तो नेक्स्ट लेवल ही होने वाला है। इसके फ्रंट पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेगा, जिसके अंदर एक सेफ्टी पर्पस के लिए कैमरा भी दिया जाएगा। दोस्तों, इस स्कूटर के अंदर दोनों व्हील्स में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। इस स्कूटर का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स इसका रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम, जो 30% रीजनरेट करके बैटरी को चार्ज करेगा, जो कि अब तक कोई भी कंपनी ऑफर नहीं कर पाया है। बट ZEEBOT मोटर प्रॉमिस किया है जो कि ये स्कूटर 30% ही रीजनरेट करके बैटरी को चार्ज करेगा। इसके साथ इस स्कूटर में आपको 4 बैटरी ऑप्शन देखने को मिलेगा, और एक बैटरी में आपको 70 किलोमीटर का रेंज आपको मिलने वाला है। अगर 4 बैटरी हो तो 280 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा सिंगल चार्ज में। इसके साथ इस स्कूटर में 90 से 100 किलोमीटर का टॉप स्पीड देखने को मिलेगा। इसमें आपको डाइविंग मोड्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और ये स्कूटर आपको अगले साल के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको ये स्कूटर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।